चित्तौड़गढ़ के पार्वती कुंड से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस पवित्र आदि कैलाश स्थान पर इसके बाद प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे। और ये सीधी तस्वीरें हैं पार्वती कुंड से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको बता दें कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर, जोलिंगकोंग मंदिर। भगवान शिव और पार्वती का ये खास मंदिर है और इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। बताया जाता है कि शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी यहाँ की खास मान्यता है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने पूजन अर्चन किया। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ये स्थान विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ से कैलाश चोटी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि आदि कैलाश उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में से एक है और इसे भारत का कैलाश पर्वत भी माना जाता है। काफी ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। माना जाता है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी है ये, और इस स्थान का आदि कैलाश के पौराणिक संबंध है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि हिंदू पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए इस रास्ते में आदि कैलाश में रुके थे, यानी कि यही। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर पूजन अर्चन किया है। ये जोलिंगकोंग मंदिर है जहां से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं और इसके अलावा आदि कैलाश के जड़ में गोरी कुंड भी है, यानी कि काफी मान्यता है इसकी। आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही साथ प्राकृतिक सुंदरता भी यहां से नजर आती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ के इस पार्वती कुंड में पूजन अर्चन करके। इस स्थान की मान्यता की बात करें तो ये पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है और ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी भी है। आपको बता दें कि आदि कैलाश के पौराणिक संबंध में इसे उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में स्थान दिया गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि हिंदू पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है और बताया जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए इस रास्ते में आदि कैलाश में रुके थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं, पूजन अर्चन करते हुए, डमरू बजाते हुए, शिव आराधना करते हुए। आपको बता दें कि अध्यात्म के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान खासा महत्व रखता है। यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु 4 माह में सबसे ज्यादा पहुंचते हैं।
और ये भी माना जाता है कि आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के बिना ये यात्रा अधूरी होती है। उत्तराखंड के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा अर्चना के साथ उन्होंने अपने इस दौरे की शुरुआत की है और इसके बाद प्रधानमंत्री गुंजी गांव भी जाएंगे। वो यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, यहां के स्थानीय उत्पादों की एक प्रदर्शनी को भी देखेंगे। अपने इस दौरे के दौरान